सो गाइस यार OB41 अपडेट का आने में भाई कुछ ही दिनों बाकी है और आप लोग को पता होगा भाई इस बार के OB41 अपडेट में हमारा जो पिक है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हैंगर और फैक्ट्री में भी कुछ चेंजेस होने वाले, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर भाई फ्री फायर के टॉप 10 ऐसे शॉकिंग चेंजेस बताने वाला जो शायद ही आप लोग को पता होगा। कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? इसी गाइस यार यहाँ पे आप लोग को पता होगा बीआर मैप में यहाँ पे डे हुआ करता है, बट यहाँ पे अपडेट के बाद आप लोग को अब नाइट मोड भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद भले को ग्लाइडर जो वो भी आपसे को OB41 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला, और कटाना का आपसे को एक न्यू एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है फिनिशिंग मूव। इसको यूज करने के बाद बंदे को भाई आप एक ही बार में फिनिश कर सकते हो। इसके साथ भले को और भी बहुत सारे ओपी चेंज है जो कि आज के इस वीडियो आपसे को बताने वाला हूं। चलो वीडियो वाला फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं नंबर 1 चेंजेस के बारे में। तो गाइस अब आप लोग OB41 अपडेट के बाद जिसका भी प्रोफाइल विजिट करोगे तो भाई आप लोग उसको भाई लाइक भी दे सकते हो, जैसे कि आप लोग यहां पे दे सकते हो। और उसके साथ यहां पर अगर कोई भी बंदा भाई हैकिंग यूज करता तो आप लोग उसको रिपोर्ट भी मार सकते हो। अगर गलत नेम यूज करता है, यहां पे गाली देता है, अगर आप लोग उसका जो प्रोफाइल अच्छा नहीं लगता तो आप लोग उसको रिपोर्ट भी मार सकते हो। यहां पे मैंने जैसे कि यहां पे मैंने सक्सेसफुल रिपोर्ट मार दिया। और गाइस इसके साथ एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जब भी आप लोग अपना प्रोफाइल यूज कर देखोगे तो यहां पे आप सबको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिसेंट विजिटर, मतलब कि भाई आप लोग का जो प्रोफाइल है किस किस ने अभी विजिट किया वहां पे उस सबका आईडी यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं नंबर 2 चेंजेस के बारे में। तो गाइस नंबर 2 पे तो आप लोग को पता होगा यहां पे जो हमारा जो पिक था भाई यहाँ पे जो ब्रोकन हाउस था भाई पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया और यहाँ पे आप सबको एक बिल्कुल न्यू पिक देखने को मिल जाएगा। पहले जो हमारा जो पिक था कुछ इस टाइप का देखने को लग रहा था जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड में, और उसके बाद यहाँ पे OB41 अपडेट के बाद पूरा का पूरा भाई न्यू पिक देखने को मिल जाएगा आपसे। तो गाइस यार यहाँ पे मैं पिक के कुछ प्लेसेस दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत बड़ा पत्थर को ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इतना बड़ा घर को ऐड किया गया, और यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे आप लोग को पता होगा यहाँ पे हमारा जो ब्रोकन हाउस हुआ करता था भाई उसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया। और गाइस यहाँ पे आप लोग को तो भाई इसका सीन पता ही होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे नीचे की साइड से ऊपर की साइड में आते तो भाई यहाँ पे एक वाल हुआ करता था, ठीक है, तो भाई उसको भी भाई पूरा का पूरा रिमूव कर देगा भाई, पूरा का पूरा साफ कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे कुछ घड़ी नहीं है, और सामने की तरफ एक मतलब पत्थर बड़ा सा पत्थर है, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर देखने को मिल जाएगा। बाकी यार आप लोगों को बताना भाई क्या आप लोग को ये न्यू पिक पसंद आया या फिर नहीं, मेरे को तो भाई कुछ खास पसंद नहीं आया। क्या यार तुम लोग ने। इसके बाद गाइस यहाँ पे हैंगर वाला एरिया तो भाई आप लोग को पता ही होगा यहाँ पे जो इसका जो सरफेस जो हुआ करता था वो थोड़ा उठा हुआ करता था, जहाँ पे हम लोग सेल्स रैंक खेलते तो भाई यहाँ पे कवर भी ले सकते थे, ठीक है। बट OB41 अपडेट के बाद भाई इसका जो सरफेस है वो पूरा का पूरा मिक्स कर दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे जो इसका लैंड है भाई पूरा का पूरा प्लेन कर दिया गया। तो OB41 अपडेट के बाद अब आप लोग यहाँ पे कवर नहीं ले पाओगे। बाकी आप लोग बताना भाई ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा। ऐसा मत करो मेरी जान। इसके साथ भाई लोग यार यहाँ पे फैक्ट्री वाला जो मतलब प्लेस था उसको भी कुछ चेंजेस किया गया है, मतलब कि यहाँ पे जो सरफेस जो हुआ करता था भाई पहले बहुत ऊपर हुआ करता जिससे भाई बंदे फिर से ऊपर मतलब फैक्ट्री की साइड में चढ़ जाता था, बट अपडेट के बाद अब आप लोग को इसका जो सरफेस भाई बहुत नीचे की साइड में देखने को मिल जाए जिसके भाई आप लोग अब दोबारा नहीं चढ़ पाओगे। सो भाई लोग अब बात कर लेते हैं नंबर 3 चेंजेस के बारे में। तो नंबर 3 पे जो चेंजेस अब आप लोग के अपडेट के बाद यहाँ पे एक हेड पे एक रेड डॉट देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे हाइट वाली चीज़ों पर चढ़ोगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं फैक्ट्री पर चढ़ा हुआ और ये जो रेड डॉट है भाई सभी बंदों को देखने वाला है। पहले क्या होता था कि भाई बंदे भाई बहुत बार मतलब हाई डॉलेज चीज़ों पर चढ़ के भाई यहाँ पे मतलब कि कैंप किया करते थे, ठीक है, और वहाँ पे भाई चढ़ के भाई बंदों को मारा करते थे। बट अपडेट के बाद अगर आप लोग यहाँ पे ऊंचे वाली जगहों पे चढ़ते हो अगर कैंप करते तो भाई अब आप लोग कैंप नहीं कर पाओगे, कैंपर का मतलब कि भाई बाय बाय टाटा होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो सामने की तरफ एक बंदा है और ये जो भाई रेड डॉट है भाई सभी बंदों को देखने को मिल जाएगा, मतलब सभी बंदे इस रेड डॉट को देख सकते हैं। जैसे कि भाई सामने की तरफ एक बंदा उसका जो रेड डॉट भाई मुझे दिख रहा है तो भाई मेरा जो रेड डॉट उसको भी दिख रहा होगा। तो अब आप लोग यहाँ पे ऊंचे वाले जगहों पर कैंप नहीं कर पाओगे। अब गाइस बात कर लेते हैं चौथे नंबर चेंजेस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो ट्रेनिंग ग्राउंड भाई उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किया गया, यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे कुछ टायर को ऐड किया, और भाई लोग यहाँ पे जो एडम जो हुआ करता भाई अब आपको चलता हुआ देखने को मिल जाएगा जो कि भाई काफी अच्छा अपडेट। यहाँ पे देख सकते हो पहले एडम भाई एक मतलब स्टील खड़ा हुआ था, बट अपडेट के बाद अब आपको एडम चलता हुआ देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग भाई प्रैक्टिस भी करते हो। अगर यहाँ पे चाहो तो भाई हेडशॉट प्रैक्टिस भी कर सकते हो किसी भी गन से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे मैं हेडशॉट मार रहा हूँ। तो भाई काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में काफी ज्यादा चेंजेस किया गया। बाकी आप लोगों को ये भाई ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा लगा, मुझे तो भाई काफी ज्यादा पसंद है, बाकी आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस नंबर 5 पे जो चेंजेस है आफ्टर अपडेट आपसे को एक न्यू एयर ड्रॉप देखने को मिलने वाला जिसका नाम है साइबर एयर ड्रॉप, और इस एयर ड्रॉप में भाई कुछ फ्यूचर्स भी है, ठीक है। तो ये जो एयर ड्रॉप आपसे को सीएस रैंक में देखने को मिल जाएगा, और इस एयर ड्रॉप को आप लोग संभाल के लूटना क्योंकि भाई इसके आर पर भाई बंदा आपसे को मार भी सकता है, और इस एयर ड्रॉप में भाई अच्छा खासा आपसे को लूट देखने को मिल जाएगा। और इस एयर ड्रॉप को अगर आप लोग लूटते हो तो भाई यहाँ पे आपसे को कुछ पॉइंट्स भी देखने को मिलने वाला। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे मुझे AW
हूँ, लेवल 3 का वेस्ट मिल चुका। और यहाँ पे देख सकते हो आप सबको एक पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद वैल्यू का नंबर 6 पे जो चंजक, अगर आप लोग का कोई भी टीममेट अगर इन गेम रहता और उसको अगर आप लोग इन्वाइट करते तो भाई आप लोग को कुछ इस टाइप का इनविजुअल एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जो कि भाई काफी मस्त लग रहा, पहले देखने को नहीं मिलता बट आफ्टर अपडेट आप सबको ये एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो टीममेट वो गेम के बाहर आता तो ये जो एनिमेशन भाई हट जाता उसका नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वैल्यू का नंबर 7 पे जो चेंजेस, भूया करने के बाद जो गेम का जो स्क्रीन रहता कुछ इस टाइप का आप चेंज हो जाएगा आफ्टर अपडेट जो कि काफी मस्त लग रहा है। सुबह अगर बात कर लेते हैं नंबर 8 चेंजेस के बारे में तो गाइस आफ्टर अपडेट आप सबको बहुत सारे न्यू मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो आउटलो मोड देखने को मिल जाएगा, मिनी बैटल रॉयल देखने को मिल जाएगा जिसमें आप लोग को 15 से 16 बंदे देखने को मिल जाएंगे और यहां पे बहुत सारे और भी न्यू मोड्स है जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। तो गाइस यहां पे मैं आप सबको एक न्यू मोड खेल के दिखा देता हूं जिसका नाम है आउटलो मोड। और इस मोड में आप सबको जैसे मतलब क्लिक करोगे तो यहां पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, गैंग एजेंट और गैंगस्टर। तो यहां पे मैं गैंगस्टर पे क्लिक करके दिखा देता तो आप लोग यहां पे एक गैंगस्टर बन जाओगे और आप लोग को एक जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग करना क्या रहता है कि भाई इस जेल के बाहर आप लोग को निकलना रहता है। तो यहां पे मैं आप सबको दिखा भी देता हूं, यहां पे एक बॉक्स रहता है उसको तोड़ोगे तो भाई ये जो मतलब गेट है जेल का गेट वो भाई यहां पे ओपन हो जाता है। तो कुछ देर के बाद यहां पे ओपन हो जाए, उसके बाद आप लोग यहां पे फाइनली सक्सेसफुली यहां पे मैं एस्केप कर चुका। उसके बाद यहां पे आप लोग नॉर्मल यहां पे जो एजेंट रहा उसको आप लोग किल कर सकते हो। और गाइस इस मोड में भाई कुछ और भी फ्यूचर है, जैसे कि यहां पे भाई कुछ टाइम के बाद यहां पे भाई रात भी हो जाता है और कुछ टाइम के बाद यहां पे दिन भी हो जाता है। और गाइस यहां पे आप सबको एक ग्लाइडर भी देखने को मिल जाएगा इस मोड में जो कि भाई काफी मस्त लगा मेरे को, और भी बहुत सारे फीचर्स इस मोड में आप सबको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को ये मोड कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइस 9 पे जो चेंजेस, यहां पे कटाना में एक न्यू एनिमेशन देखने को मिल जाएगा नाम है फिनिशिंग, जिसको क्लिक करने के बाद भाई बंदा को आप लोग एक ही कटाने में भाई मार सकते हो। इसके बाद भाई लोग बात करें अगर नंबर 10 चेंजेस के बारे में तो गाइस आफ्टर अपडेट आप सबको एक न्यू वेस्ट देखने को मिल जाएगा, नैनो वेस्ट जिसका नाम है। और इस वेस्ट में होता क्या कि इसमें आप सबको कुछ शील्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लेवल 4 का अगर नैनो वेस्ट लेते हो तो यहाँ पे मैं आप सबको दिखा देता हूँ भाई यहाँ पे कितना शील्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। तो बैक वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे आप सबको 250 शील्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग कोई डैमेज देते हो तो यहाँ पे आप सबको सबसे पहले भाई नैनो वेस्ट टूटेगा, उसके बाद आप लोग को डैमेज पड़ेगा। इसके बाद भले को और भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें बोनस अपडेट्स के बारे में तो गाइस यहाँ पे इमोजी ऑप्शन को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। आप लोग को पता गेम के अंदर हम लोग इमोजी ऑप्शन यूज कर सकते हैं तो इसको रिमूव कर दिया। और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि भाई सीएस रैंक में हम लोग बैक का ऑप्शन शो नहीं करता था रिमूव करने का, बट अब आफ्टर अपडेट आप सबको इसको आप लोग ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। बस भले को यही सब कुछ चेंजेस जो कि आप सबको OB41 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला। बाकी आप लोग बता नहीं, ये अपडेट आप सबको पहले से ही पता था या इस वीडियो में पता चला है? और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पर ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।